गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, स्टूडेंट ऑफ क्लास टू. टुडे आई कम विथ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट. द चैप्टर नेम इन टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो बच्चों, आज हम चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे. एक्सरसाइज ए फर्स्ट में है, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन. ठीक है, चूज द राइट, नो का साइन है, ऑप्शन. ठीक है, जो सही है उसमें इसमें टिक लगाना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड. बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन इज ए में श्रब्स, बी में ट्रीज, सी में क्लिम्बर्स. तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़े थे कि वेरी बिग प्लांट जो है वो ट्रीज कहलाते हैं. तो ये ट्री में बी में निशान लगा देंगे. ठीक है, तो वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. सेकंड में है, टोमेटो इज एन एग्जांपल ऑफ श्रब्स, हर्ब्स, ट्री. तो टोमेटो जो है, ये हम लोग पढ़े थे, टोमेटो जो है वो श्रब्स का एग्जाम्पल होता है. तो टू का ए होगा बच्चों, ए में टिक लगा देंगे. द थर्ड क्वेश्चन इज क्लिम्बर्स आर आल्सो कॉल्ड क्रीपर, हर्ब्स, ट्विनर्स. क्लिम्बर जो है उसको हम लोग ट्विनर्स भी जानते हैं, ट्विनर्स भी कहते हैं. तो ये थर्ड का सी हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. मनी प्लांट फोर में है, मनी प्लांट लिव फॉर. ऑप्शन है वन ईयर, टू ईयर्स, मेनी ईयर्स. जो मनी प्लांट होते हैं वो मेनी ईयर्स के लिए होते हैं, बहुत साल तक जिंदा रहते हैं. इसलिए फोर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, मेनी ईयर्स. फाइव क्वेश्चन, वाटर प्लांट्स हैव. वाटर प्लांट्स हैव, ऑप्शन है ए थिन लीव्स, बी लॉन्ग लीव्स, सी ब्रॉड लीव्स. तो फाइव का वाटर प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स. हमने पढ़ा था कि जो जलीय पौधे होते हैं उसकी पत्तियां जो है चौड़ी होती है, वो पानी पे तैरते रहते हैं. तो फाइव का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, ब्रॉड लीव्स. आगे बढ़ते हैं बी. क्वेश्चन बी में है, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू. जो सही है उसके लिए टी का निशान और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्रीपर इज ए बिग प्लांट. क्रीपर इज ए बिग प्लांट. तो बच्चों, ये क्या है? ये फॉल्स है. ठीक है, तो इसमें फॉल्स एफ का निशान लगाएंगे. सेकेंड है वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ये इसमें भी था फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज. तो सेकेंड जो है ये ट्रू है, इसलिए ट्रू का टी लिखेंगे. द थर्ड वन इज प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू क्लिंब आर कॉल्ड क्रीपर्स. ठीक है, तो ये बच्चों जो है इसका मीनिंग हुआ, पौधे जो जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है चढ़ने के लिए वो क्रीपर कहलाते हैं. नहीं, गलत है. क्रीपर जो है वो क्रीप अलोंग द ग्राउंड, हम तुमने पढ़ा था. ठीक है, कि क्रीपर जो है वो जमीन पे ही सिरकते हैं, खिसकते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है. तो ये जो है आपका फॉल्स है, तो फॉल्स का एफ लिखाएगा, एफ हो गया. ठीक है, द फोर्थ क्वेश्चन इज सॉफ्ट प्लांट्स विच नॉन वुडी स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. सॉफ्ट प्लांट, मुलायम पौधे जिनका स्टेम जो है लकड़ीदार नहीं होता है, आर कॉल्ड हर्ब्स. ये ट्रू है. द लास्ट वन इज कॉलीफ्लावर इज ए ट्विनर. कॉलीफ्लावर ट्विनर ट्विनर होता है, ये नहीं होता है बच्चों, इसलिए ये फॉल्स है. ठीक है, तो इस तरह ट्रू फॉल्स वाले में देखेंगे, फर्स्ट जो है वो
आपका फॉल्स हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया, थर्ड फॉल्स हो गया, फोर्थ ट्रू हो गया और फाइव फॉल्स है। तो आज हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ा जिसमें चूज द राइट ऑप्शन था और ट्रू फॉल्स था। इसको आप लोग नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, फिर आगे की क्लास में दूसरा टॉपिक हम लेके आएंगे। थैंक्स बच्चों, हैव ए नाइस डे।